वेलकम टू माय चैनल ईवी राइडर ब्लॉग्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं मैदान कोलकाता अपना कॉर्पोरेट टूर्नामेंट का पहला फुटबॉल मैच खेलने। आज मैच है डिकैथलॉन के साथ। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं, 5:30 बजे से मैच है। गर्मी तो इतना हो गया मार्च महीने में, क्या ही बोले। तो चलते हैं हम लोग, पहले तो पहुँचते मैदान अपना पहला मैच के लिए। कोशिश करेंगे आज आराम से धीरे खेले और मैच को जीते। तो निकलते हैं, रास्ता में दिखाते हैं कैसा है रास्ता, और चलते हैं। चलिए भैया। A few moments later. तो गाइस देखते हैं आज कैसा रहता है दिन। पहला मैच है आज, इस साल का पहला, ये सीजन का पहला मैच होने वाला है। और अपना कोशिश है अच्छा खेलेंगे, जीतेंगे। चलते हैं देखते हैं क्या हाल होता है आज। थोड़ा घबराहट तो है लेकिन कॉन्फिडेंट भी है कि मैच जीतेंगे। चलते हैं, चलिए चलिए। ऑन कर लिया अपना ओला S1 Pro। देखिए अभी तो दिखा रहा है 93% चार्ज, और रेंज भी अच्छा खासा ही दिखा रहा है। देखते हैं आज लगभग टोटल 40 किलोमीटर का अप डाउन है, कैसा होता है, कितना रेंज क्या देता है। ऐसे तो एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम है मेरा, देखते हैं क्या है हाल। चलिए चलते हैं। Later. जैसे कि हम लोग निकल गए हैं मैच के लिए। अभी फ़िलहाल तो मैं न्यू टाउन में हूँ, देख सकते हैं शाम के 4:10:15 हो रहे हैं। अच्छा मस्त अच्छा वेदर लग रहा है मेरे को, आज मज़ा आएगा। अभी रास्ते में है, ये न्यू टाउन एरिया है, थोड़ा सा साइड में है, लेकिन 1-2 साल में तो बहुत भयानक होने वाला है ये जगह। तो जैसे कि ये वाला S1 Pro का एक अच्छा फीचर है, ये क्रूज़ कंट्रोल चलता है मस्त, तो थोड़ा सा वीडियो वीडियो बना सकते हैं हम लोग आराम से। तो चलिए और दिखाते हैं रास्ते में आप लोग को कैसा है, क्या मौसम है। बहुत अच्छा मौसम है आज, अच्छा लग रहा है। बेकार ही बोल रहा था, गर्मी है, गर्मी भी तो है नहीं, स्कूटी चलाने में मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा मौसम है। तो ये रहा हम लोग का न्यू टाउन कोलकाता, देख सकते हैं बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। ये देखिए इधर राइट में जो दिख रहा है पूरा वेकेंट एरिया है, ये अपना IT हब बनने वाला है, फ्यूचर IT हब प्रपोज लैंड यही वाला है। और ये सामने इसको बोलते हैं हम लोग इको पार्क का, ये मेट्रो स्टेशन है। तो जैसे कि देख सकते हैं ये अपना सस्ता 7 वंडर्स है, अगर दिख नहीं रहा होगा शायद आप लोगों को, अभी ये थोड़ा साइड में है। ये देखिए ताजमहल, सस्ता ताजमहल हम लोगों का, सस्ता ताजमहल है। इधर सब सब अपना 7 वंडर्स का रेप्लिकेशन किया हुआ है, इको पार्क। इधर चलते हैं देखते हैं। अगर आप लोग कभी आ रहे हो न्यू टाउन तो ये वाला जगह ज़रूर आना, ये हम लोग बोलते हैं मिस्टी हब। यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर जितने भी फेमस मिठाई के दुकान है आपको मिल, जितने भी फेमस मिठाई के दुकान है वो आपको मिल जाएंगे। आप लोग आराम से डेलिकेसीज ऑफ कोलकाता का स्वीट्स जो फिर बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, आप लोग आराम से एंजॉय कर सकते हैं एक ही जगह पे सब कुछ। तो सिग्नल आ गया, थोड़ा रोकते हैं। ये अपने लेफ्ट हैंड साइड में जो देख रहे हैं अपना प्रपोज मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो लाइन है यहाँ पर। ये मेट्रो लाइन बन जाएगा तो सबको बहुत सुविधा होगी कोलकाता में। राइट में अभी भी इको पार्क दिख रहा होगा आप लोग को, अभी भी इको पार्क ही है, ये गेट नंबर 2 है इको पार्क का। और हम लोग आ गए हैं एक्चुअल न्यू टाउन में। ये देखिए दूर पे आपको जो बेंडिंग टाइप का दिख रहा है ऊपर, वो अपना विश्व बांग्ला गेट है। तो इधर ही मैं एक्चुअली आपको IT वगैरह जितने भी IT कंपनीज है इधर से स्टार्ट होते हैं न्यू टाउन में चालू होना, और
पीछे जो मैंने दिखाया वो एक्चुअली अभी तक प्रपोज्ड एरिया वहाँ बनना चालू हुआ है, बड़े बड़े आई टीज अपने ऑफिस खोलेंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग जो है अभी अभी तक कोलकाता में वो इसके बाद से आएगा। यहाँ से जब हम लोग निकलेंगे तो पहले अपना दोस्त को उठाएंगे उसके घर के नीचे से, वो भी जाएगा मेरे साथ खेलने, और फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे, निकल के जाएंगे हम लोग पार्क स्ट्रीट के रास्ते से मैदान, और आप लोग को तब न्यू टाउन भी दिखाएंगे जहाँ पर एग्जिस्टिंग है। ये अपना विश्व बांग्ला का मेट्रो स्टेशन है, और ये लेफ्ट में अगर देखोगे तो ये मेरा हम लोगों का हिटको है, हिटको का हिटको सेंटर है ये। यहाँ पर वो फंक्शंस वगैरह अगर कुछ बना रहता है, कन्वेंशन सेंटर है एक्चुअली, तो यहाँ पर वो सब होता है, मस्त है, ये भी बहुत मस्त लगता है मेरे को। ये देखिए विश्व बांग्ला गेट हम लोगों को दिख रहा होगा, मस्त लगता है ये रात में, और अच्छा लगता है ये जगह। अभी तो आप लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा, रात में और अच्छा लगता है। चलिए चलो। A few moments later. मैं सोच रहा था कि चालू करूँ एक बार नेविगेशन में, मेरे को मेरे दोस्त को लेना है वहाँ उसके घर से। देखिए अब इसका चल ही नहीं रहा है नेविगेशन, एक के बाद एक पड़ा हुआ है यार इसमें पूरा एकदम। देखिए बार बार यही दिखाएगा, अब क्या फिर से फ़ोन निकालो तो क्या ही फ़ायदा हो इतना पैसा देके लेने का, समझ में नहीं आता यार। A few moments later. तो ऑलमोस्ट पहुंच गए भैया के पास, सामने ही दिखा रहा है लोकेशन। अब अपना S1 Pro का नेविगेशन तो काम नहीं किया, अब फ़ोन के नेविगेशन से आना पड़ रहा है। धीरे धीरे जाते हैं, कहाँ है आगे ही कहीं पर है फ्लैट, देखते दिख जाएंगे भैया। A few moments later. आ गए देखिए देख ले, बसो बसो चल जल्दी चलते चलिए। 3 hours later. Sorry guys, तो मैच का विजुअल्स हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, वो एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया था पहुंचने में, तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। थोड़ा सा मैच का रिजल्ट तो ठीक अपने फेवर में नहीं था, वो हम लोग 4-2 से हार गए। फर्स्ट हाफ में 2-0 से हम लोग लीड कर रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद सेकंड हाफ में हम लोग 4 गोल कंसीड कर दिए। मेनी अनबेरेबल आवर्स लेटर, एक आकांक्षा बोल के जगह है वहाँ पर एक कैफे में, ये देखिए ये है इसका कैफे, और ये रहा मेरा सेंट बर्नार्ड। तो देखिए वो लोग बैठ के अभी लूडो खेल रहे हैं, चलिए हम भी एक दान दे ही देते लूडो का, क्या आता है देखते हैं। ये देखिए लूडो का मस्ती लिया जा रहा है खाना का वेट करते करते, तो आ गया खाना, ये रहा एक मोमो चाय के साथ, ये कैसा कॉम्बिनेशन मुझे पता ही नहीं, लेकिन है तो है, ये मोमो बहुत टेस्टी लग रहा है। और ये रहा दूसरा आइटम लात माई प्याज, ये भी मस्त होने वाला है।